अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं चिकन रोल। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ स्प्रिंग रोल के लिए स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो गैस पर मैं कढ़ाई रख दी हूँ, गैस ऑन कर देंगे और यहाँ पर जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर। 3 से 4 चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और जैसे ही बटर और तेल गरम हो जाए हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची कुटी हुई और इसे हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे अदरक लहसुन का, ताकि कच्चापन इसमें से निकल जाए। 2 मिनट इसे हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है, आँच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। साथ में हम इसमें डाल देंगे चिकन। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था, जिसे हमने उबाल करके इसे मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। तो इसे हमें ज़्यादा बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है, हल्का कीमे के शेप में ही इसे हमें रखना है। तो इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे सब्जियाँ जो हमने कटिंग करके रखी थी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, वो सारी सब्जियाँ हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम भून लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इन सारी सब्जियों को हमें 100% कुक नहीं करना है, बस इसका हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए तो इतना ही से हमें पकाना है। तो साथ में हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 पिंच काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हम यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है, और 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे डालेंगे चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो विनेगर की जगह पे यहाँ पे सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट इसे हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है जब हम स्प्रिंग रोल रेडी करें तो उसमें क्रंची वाला टेस्ट रहे। तो इसे हम गैस ऑफ कर देंगे और बाद में इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और साथ में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने यहाँ पर गैस ऑफ कर दिया है और अब हम इसे उतार लेंगे नीचे और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो इसे हम जब तक ये रख देते हैं या ठंडा होगा, हम फटाफट से यहाँ पे सीड्स रेडी कर लेते हैं। तो सीड बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया, उसमें हम ले लेंगे 1 अंडा और उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। तो यहाँ पर आप चीनी पाउडर भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसे हम बीट कर लेंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे ऑयल। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है, हमें यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ करना है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब पानी, यानी कि 1/2 गिलास पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया, आप मेज़रमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी ले सकते हैं। 2 कप हमें यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले लेना है। तो मैदा और कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी हमें सेम रखना है, ताकि सीड्स हमारी अच्छी परफेक्ट बने। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ साथ में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक हम परफेक्ट घोल बना करके रेडी कर लेंगे। इसे हमें एक ही डायरेक्शन में इसी तरह से चलाते रहना है, बहुत ही परफेक्ट घोल बन के रेडी होगा। तो इसे टेस्ट करने के लिए हम आपको बता देते हैं किस तरीके से हमें पता चलेगा कि ये परफेक्ट डो बनके रेडी है। इस तरीके से आप लाइन खींचिए, तो लाइन आपस में मिलनी नहीं चाहिए, तो हमारा ये परफेक्ट डो बन करके रेडी है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सीड्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्राई पैन रख दिया था गर्म होने के लिए, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे और यहाँ पे हम इसमें डो को ऐड कर देंगे और चारों तरफ से इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और इसके बाद में इसे हमें बिल्कुल भी छूना नहीं है, हम इसे रख देंगे 2 से 3 मिनट तक के ये पकने के लिए। और यहाँ पे हमने यहाँ कॉर्नफ्लोर से इस तरह के से डस्ट कर लेना है, ताकि हम सीड्स इसमें रखें तो चिपके ना। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये अपने आप ही छोड़ने लगा है फ्राई पैन। अब इसे हम पलट के दूसरी साइड भी हल्का सा कुक कर लेंगे, ज़्यादा हमें 100% कुक नहीं करना है, बस हल्का सा इसे हमें पका लेना है। तो बहुत ही परफेक्ट सीड्स हमारा बन करके रेडी हुआ है। अब इसे हम निकाल लेते हैं जिसमें हमने कॉर्नफ्लोर डस्ट किया था, इस तरीके से इसमें हम निकाल लेंगे और फिर के ऊपर फिर से हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, ताकि हम दूसरी सीड्स जब रखें तो ये आपस में चिपके ना। तो इस तरीके से हमने दूसरी सीड्स भी बना करके रेडी कर ली है।
तो इसी तरह से हम बाकी के भी सीड्स बना करके हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए फटाफट से अब यहाँ पे हम सीड्स स्प्रिंग करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सीड ले लेना है और यहाँ पे हम स्टफिंग जो हमने रेडी की थी उसे हमें यहाँ पे रख देना है और साइड साइड से हम यहाँ पे लगाएंगे मैदे का घोल। तो हमने यहाँ पे मैदा और उसमें पानी डाल करके यहाँ पे ले ही रेडी कर दी है। इस तरीके से हमें साइड से इसे लगा देना है और अब इसे हम इस तरीके से स्प्रिंग करके रोल करके यहाँ पे इसे रेडी कर लेंगे। तो लेई को हमें अच्छे से लगाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो इसी तरह से हम दूसरी भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हम सीट लेंगे और थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे, साइड में हमें इस तरीके से इसमें लेई लगा लेनी है और इसे इस तरीके से स्प्रिंग करके रोल करके हमें रेडी कर लेना है सीट। तो इसी तरीके से हमें अच्छे से इसे बना लेना है ताकि फ्राई करते समय ये ओपन ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारे बना करके यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। इतने सारे हमारे रोल रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो तेल हमने यहाँ पे रख दिया था गरम होने के लिए। जैसे ही तेल गरम हो जाए इसे हमें एक एक रोल इसमें ऐड कर देना है और गोल्डन होने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो पहले हमें फ्लेम को हाई रखना है, उसके बाद में इसे हमें मीडियम पे रख देना है और मीडियम पे इसे हमें अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया है। अब इसे हम फटाफट से निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और ये चिकन रोल हमारा बन करके रेडी है। हम इसे फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब आप इसे अपने मनपसंद टोमेटो सॉस या चटनी के साथ खाएं। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।